स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पुणे मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, जिसका कुछ खंड बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी किया जाना है। जैसा कि आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि 6 मार्च से पुणे मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे देश में एक और शहर को मेट्रो रेल सर्विस की सौगात मिलने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पुणे शहर के अंदर कितने मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है और वो कौन कौन से खंड है जिनको यातायात के लिए खोला जा रहा है, और फ्यूचर में कौन कौन से मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो कि काफी तेजी से विकास कर रहा है। वर्ष 2010 में पुणे शहर की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी जो कि 2022 में बढ़कर 70 लाख हो चुकी है, और पुणे शहर की पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इसकी जनसंख्या बढ़कर लगभग 85 लाख हो जाएगी। अतः इस बढ़ते हुए शहरीकरण में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को प्रदान करने के लिए पुणे मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको सर्वप्रथम वर्ष 2008 में प्रस्तावित किया गया था। 15 अगस्त 2008 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का DPR तैयार कर लिया गया, जिसको कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन इस परियोजना को धरातल पर आने में काफी ज्यादा समय लग गया। जून 2012 में इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत बनाया जाने वाला पहला दो कॉरिडोर, जिसको कि पर्पल लाइन और एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, इन कॉरिडोर्स को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अप्रूव कर दिया गया, लेकिन अभी भी यह परियोजना केंद्र सरकार के अप्रूवल का वेट कर रहा था। आपको बता दें कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार का 50-50 ज्वाइंट वेंचर है। जो भी हो, 7 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को फाइनली अप्रूवल मिला और अंततः DPR तैयार होने के लगभग 8 साल बाद 24 दिसंबर 2016 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई, और इसके अंतर्गत इस परियोजना के दो कॉरिडोर्स पर्पल लाइन और एक्वा लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसका निर्माण कार्य इस परियोजना के फर्स्ट फेज में किया जा रहा है। इस परियोजना का लाइन 1, जिसको कि पर्पल लाइन के नाम से जाना जाता है, पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से स्वर्गेट तक है और इसकी लंबाई लगभग 17.4 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 11.4 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड होगा और 6 किलोमीटर लंबा भाग अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 9 स्टेशन एलिवेटेड होगा और 5 स्टेशन को अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, और प्रारंभिक चरण के अंतर्गत इस कॉरिडोर का PCMC से फुगेवाड़ी तक का खंड पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन 6 मार्च 2022 को किया जा रहा है, और इसके बाद इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। PCMC से फुगेवाड़ी खंड की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 5 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। यह पूरा खंड एलिवेटेड है। पुणे मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत निर्माण किया जाने वाला दूसरा कॉरिडोर, जिसको कि लाइन 2 एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है, वनास से रामवाड़ी तक बनाया जा रहा है और यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इसकी लंबाई लगभग 15.7 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 16 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे, और इस कॉरिडोर के प्रारंभिक चरण में वनास से गरवारे कॉलेज तक के खंड को यातायात के लिए खोला जाएगा, जिसका उद्घाटन 6 मार्च 2022 को किया जा रहा है। वनास से गरवारे कॉलेज खंड की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 5 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। अतः वर्तमान समय में पुणे मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत इसके फर्स्ट फेज में टोटल 33.1 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स का उद्घाटन 6 मार्च 2022 को किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों कॉरिडोर्स के अंतर्गत 2 मेट्रो डिपो का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर्पल लाइन के अंतर्गत
रेंज हिल डिपो का निर्माण किया जा रहा है और एक्वा लाइन के अंतर्गत वनास के नजदीक हिल व्यू पार्क कार डिपो का निर्माण किया जा रहा है। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना के लाइन 1 और लाइन 2 के निर्माण में लगभग 11,420 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये दोनों लाइन पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह दोनों मेट्रो लाइन्स महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है, जिसको कि संक्षिप्त में महा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1 का निर्माण कार्य इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक और कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसका निर्माण इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत ही प्रस्तावित किया गया है और यह फेज 1 का लाइन 3 होगा, जो कि हिंजवाड़ी फेज 3 के पास मेगापोलिस सर्कल से शुरू होकर सिविल कोर्ट तक बनाया जाएगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 23.33 किलोमीटर होगी। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसके अंतर्गत 23 मेट्रो स्टेशंस के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। लाइन 3 का मेट्रो डिपो हिंजवाड़ी के पास बनाया जाएगा, जिसके लिए MIDC द्वारा 55 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है। पुणे मेट्रो के लाइन 3 का निर्माण पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है और 29 दिसंबर 2016 को PMRDA द्वारा लाइन 3 के निर्माण को अप्रूव्ड किया गया था। 2 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया और 7 मार्च 2018 को केंद्र सरकार द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया। आपको बता दें कि 18 दिसंबर 2018 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लाइन 3 के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। लाइन 3 के निर्माण में लगभग 8,100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और ये 2024 तक बनकर तैयार हो पाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महा मेट्रो द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 के निर्माण के लिए भी DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके फेज 2 के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले कॉरिडोर्स की कुल लंबाई लगभग 82.5 किलोमीटर होगी, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 7 कॉरिडोर्स के निर्माण को चिन्हित किया गया है। इन कॉरिडोर्स में से वनास से चांदनी चौक, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, रामवाड़ी से वाघोली, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, हडपसर से खराड़ी, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, स्वरगेट से हडपसर, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है, खड़कवासला से स्वरगेट, जिसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, SNDT से वर्जे, जिसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है और इसका 7वां कॉरिडोर जो कि हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट होगा, बोपोड़ी से शुरू होकर स्वरगेट, लुल्ला नगर, रामटेकडी, विमान नगर होते हुए विश्रांत वाड़ी में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। अतः इन सभी 7 कॉरिडोर्स का निर्माण पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाना है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।